नमस्कार मित्रों, ज्ञानी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति की एक ज्ञानवर्धक वीडियो। मित्रों, ज्ञान कैसा भी हो लेकिन अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, आज के इस चाणक्य नीति वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए। मित्रों, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो और मांगते मांगते मर जाए, लेकिन ये एक चीज उसे भी कभी मत देना। मित्रों, कौन सी है वो चीज़, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, साइड में आने वाली घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप वीडियो को आसानी से देख सकें। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी भारत के सबसे बुद्धिजीवी लोगों में से एक माने जाते हैं। इन पर कई किताबें लिखी गई हैं और इनकी चाणक्य नीति जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी ने कई ऐसी नीतियां बताई हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति एक कामयाब व्यक्ति बन सकता है दोस्तों, और कई गलतियां करने से बच सकता है। दोस्तों, आज मैं उसी चाणक्य नीति के माध्यम से आपको जो बात बता रहा हूँ, यदि ये बात आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है और हर व्यक्ति की कमजोरी उसका रहस्य होता है, यानी कि उसके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में यदि कोई और जान जाए तो बहुत अनर्थ हो सकता है और वह व्यक्ति अपमानित भी हो सकता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार आपको अपना रहस्य किसी को भी नहीं बताना है। जी हाँ दोस्तों, भूलकर भी किसी के हाथ में अपना रहस्य नहीं देना है, चाहे वह आपका कितना भी भरोसेमंद मित्र क्यों ना हो या फिर आपकी पत्नी ही हो, लेकिन अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि समय आने पर जब वह आपके विरुद्ध हो जाएगा तो वह आपका रहस्य किसी और को बता सकता है और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, विभीषण ने ही रावण के साथ गलत किया था और भगवान राम को उसकी मृत्यु का रहस्य बता दिया था कि उसके प्राण उसकी नाभि में है। दोस्तों, जरा सोचिए, यदि रावण अपनी मृत्यु का रहस्य विभीषण को नहीं बताता तो उसका मर पाना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए मित्रों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपना राज भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो मित्रों, यही वो एक चीज है जो आपको भूलकर भी किसी को नहीं देना है, नहीं तो आपको पूरा जीवन पछताना पड़ेगा। मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मित्रों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। साइड में आने वाली घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हर रोज़ नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। मित्रों, वीडियो को शेयर करने के लिए आप इस बीच वाले निशान पर क्लिक करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है एक नई चाणक्य नीति वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।